अब हम बनाने जा रहे हैं चमचम। दूध को सबसे पहले गर्म कर लेंगे। ये दूध हमने एक बर्तन में डाल लिया है, 5 लीटर दूध, और इसको गर्म कर लेंगे। और एक कुकर में हमने 1 लीटर पानी डाल दिया है, उसको भी गर्म कर लिया है। और इसमें हम डालेंगे ये 1 चम्मच टाटली, और ये डाल के इसको पिघला लेंगे, फिर दूध में डालेंगे, जिससे कि दूध हमारा फट जाएगा। अगर ये टाटली नहीं हो तो आप नींबू भी डाल सकते हैं दूध में। और ये दूध हमारा गर्म हो चुका है, एक बर्तन के मदद से हम इसमें डाल लेंगे ताकि दूध जो है हमारा छन जाए और जो मलाई है कॉटन के ऊपर रह जाएगा और दूध अंदर बर्तन में चला जाएगा। और ये दूध को हमने गैस बंद करके 20-25 मिनट तक के लिए ठंडा कर लिया था। और ये जो गर्म पानी में हमने टाटली डाला था वो डालेंगे इसके अंदर, धीरे धीरे, एक साथ नहीं डालेंगे, और इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। इस तरह से ये पानी डालते रहेंगे। और ये दूध फट चुका है, इस तरह से कुछ देर तक और चला लेंगे। और इस तरह से छेना डालेंगे पानी ताकि ये ठंडा हो जाए। और ठंडा इसलिए होगा कि छेना हमारा जितना सॉफ्ट होगा रसगुल्ले भी उतना ही सॉफ्ट होगा। और ये एक बर्तन पे हम डालेंगे कर्टन और छेना को निकाल के छान लेंगे, उस पर डाल के इस तरह से निकालेंगे और इसको पूरा छेना छान लेंगे। और ये छेना निकालने के बाद इस तरह से इसमें जो पानी बच गया छेना के अंदर, इस तरह हल्का हल्का प्रेस करके पानी निकाल लेंगे। से छेना का पूरा पानी निकाल लेंगे। छेना को कर्टन से निकालने के बाद इसको इस तरह से मैश कर लेंगे, जिससे ये छेना का जो अलग अलग पीस बना हुआ है वो सब टूट के एक साथ हो जाएगा। इस तरह से उसको मसल देंगे। मलाई सैंडविच बनाने के लिए हमने पहले दूध को फाड़ लिया था और अब हम चूल्हे के ऊपर पतीले को रख देते हैं और उसके अंदर शक्कर डालते हैं चाशनी तैयार करने के लिए। ये हमने शक्कर को कढ़ाई में डाला, ये लगभग 300 ग्राम 400 ग्राम शक्कर है और इसके अंदर हम पानी डालेंगे। गैस जल रहा है और इस पानी को हम उबलने देंगे ताकि हमारा ये चाशनी तैयार हो जाए। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे ताकि शक्कर नीचे लगे नहीं। ये हम चमचम बनाने के लिए हमने छेना तैयार कर लिया था, जो आपने देखा कि दूध को हमने फाड़ के छेना तैयार किया है। अब चमचम बनाने के लिए हम इसे गोल करके इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। ये आपका चाशनी अभी उबल रहा है। अब चमचम बनाने के लिए हम इसे छेना को जो हमने गोल गोल काटा था उसे हम अपने शेप में बनाएंगे, लंबा लंबा, जैसा आप दुकान में देखते हैं उस शेप में बना सकते हैं, या आप जैसा भी शेप चाहें वो शेप आप बना सकते हैं। तरह चमचम के शेप को हम बनाते जाएंगे। आपको जितनी भी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी आप बना सकते हैं। ये हम चमचम को इस तरह बनाते चले जा रहे हैं। अब हम चमचम को अपने उबले हुए चाशनी में एक एक करके डालते चले जाएंगे। और इस तरह हमने सारे चमचम को अपने उबलते हुए चाशनी में हमने डाल दिया।
अब हम इसे ढक्कन से कवर कर देंगे। अब आप बीच बीच में ढक्कन हटा लेंगे और उसे हल्का हल्का कलछी से धीरे धीरे हिलाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह हमने जो डाला था चमचम को, वो चमचम अपने साइज से थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। आप बीच बीच में हल्का सा ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। हम वापस ढक्कन को कवर कर देंगे। अब हमारे चमचम अच्छे से पक चुका है और अब हम इसे कलर लाने के लिए थोड़ा सा हल्का सा लेमन येलो कलर डालेंगे, ताकि चमचम का जो कलर होता है वो हमारे इस मिठाई के अंदर आ जाए। और इसे हम हल्का हल्का सा हिला देंगे। ये हमारा चमचम बनके तैयार हो चुका है और हम इसे एक एक करके अपने किसी बर्तन में रख सकते हैं, किसी बाउल में भी रख सकते हैं, आप अपने प्लेट में भी रख सकते हैं। बाउल में रखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हल्का सा चाशनी भी उसके अंदर जाएगा। इसे हम एक एक करके निकालेंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ अगर निकालेंगे तो हो सकता है हमारा चमचम टूट जाए, क्योंकि अभी गर्म है। ये बनके हमारा तैयार हो चुका है चमचम। अब हम चमचम को इस तरह एक प्लेट में सजा लेंगे। पहले हम चमचम को इस बॉल में निकाले थे, उसके अंदर चाशनी भी था, चाशनी को हमने फेंक दिया या उसे कम कर दिया, और इस तरह हम अपने प्लेट में चमचम को सजा लेंगे। ये हमने नारियल का, सूखे हुए नारियल का छोटा छोटा बारीक टुकड़ा कर लिया था, टुकड़ा भी नहीं, इसे आप कह सकते हैं कि हमने इसे बहुत ही बारीक काट लिया था, और इसके अंदर हमने हल्का सा एक ग्रीन कलर डाला है, और इसे हम अपने चमचम के ऊपर हल्का हल्का सा गार्निश कर देंगे। ये हमारा चमचम पूरी तरह से बनके रेडी हो चुका है।